गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम बात करेंगे, कुछ सोल्यूशन मैं करा दिया था मैट्रिक्स का, 3.2 का कुछ बाकी है, उसको मैं कंप्लीट करा दूँ आज, है ना। तो वो मैं आज आपको कंप्लीट करा देता हूँ कि है क्या उसके बारे में, क्या सोल्यूशन है, कैसे हमें पढ़ना है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये मैं आपको करा दूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, पेपर नज़दीक आ गया है, तो टाइम वेस्ट करने से कुछ मिलेगा नहीं, इसे डायरेक्ट अपन क्वेश्चन पे बात करें। मैं 15 तक क्वेश्चन करवा दिया हूँ, आज 16 नंबर क्वेश्चन करवाऊँगा, है ना। चैप्टर हमारा है 3.2, 3.2 का क्वेश्चन नंबर है 16। इसके बारे में मैं आपको बता दूं है क्या, इसको कैसे अपन बनाएंगे। देखो, हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 0 2, 0 2 1, 2 0 3, ए हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, पूछा है प्रूव डेट, क्या हमें प्रूव करना है। ए आपको बता दो, ए क्यू -6 a² +7 a +2 y = 0, ए हमें प्रूव करना है, और ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है और ए हमें प्रूव करना है। तो अपन करेंगे कैसे, ए देखना जरूरी है। तो देखो, सबसे फर्स्ट पार्ट है ना, हमें करना कैसे है क्या नहीं है, ये हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए। ए क्यूब अपन निकालेंगे कैसे, ए तो मैं बता दिया था, फिर मैं आज निकाल के बताऊंगा। उसके बाद ए स्क्वायर चाहिए, उसके बाद ए चाहिए, आई तो हमें मालूम है, आइडेंटिटी होता है, ए तो हमें मालूम है, आइडेंटिटी होता है। तो हमें क्या करना है, ए क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले ए इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर हमें मिलेगा। तो पहले इनका मल्टीप्लीकेशन कर दें, 1 0 2, 0 2 1, 2 0 3, इनको मल्टीप्लाई कर दो इसी मैट्रिक्स से, सेम 0 1 2, 1 0 2, 0 2 1, 2 0 3, इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं आपको पहले ही बता रखा था, मल्टीप्लीकेशन अपन कैसे करते हैं, इनको इनसे करेंगे, है ना। तो देखो क्या है, 1 को मल्टीप्लाई किससे करो, 1 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई 0 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई 2 से, फिर यही नंबर है 1 0 2, इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनसे करेंगे, 0 2, फिर यही नंबर है 1 0 2, फिर इनको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अपन इस नंबर से करेंगे, 2 1 3 से करेंगे। अब क्या है, ए सेकेंड रो है, क्या है, 0 2 1, ऐसे ही रख दो, 0 2 1, 0 2 1, मल्टीप्लीकेशन अपन किससे करेंगे, ये जो नंबर दे रखा है सेम नंबर यहां चिपका देने का, सेम सेम नंबर चिपका दो, जो दे रखा है उसी को चिपकाने का, सेम नंबर जो ये दे रखा है, सेम नंबर सेम, थोड़ा भी इधर उधर ध्यान नहीं भटकाने का, सेम नंबर चिपकाने का, फिर इनको चिपका दो आप यहां, 2 0 3, 2 0 3, 2 0 3, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 1 0 2, 0 2 0, 2 1 3, अब मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ऐड कर दो, जैसे अपन बचपन में करते थे वैसा ही सेम करना है। तो देखो है क्या, ये देखो,
वन वन में मल्टीप्लाई करेंगे वन, जीरो जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, टू टू में मल्टीप्लाई करेंगे फोर, फिर इनको मल्टीप्लाई करो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो, ए जीरो ही आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करो टू वन जा टू, ए जीरो ए सिक्स, टू ओवर सिक्स, उनको मल्टीप्लाई करो ए जीरो ए हो जाएगा टू, इनको मल्टीप्लाई करो ए जीरो ए फोर ए जीरो, इनको मल्टीप्लाई करो जीरो टू थ्री, इनको मल्टीप्लाई करो टू जीरो सिक्स, जीरो जीरो जीरो, फोर जीरो नाइन, इनको ऐड करो वन और फोर फाइव, जीरो एट टू फोर फाइव एट जीरो थर्टीन, ए हमारा क्या मिल गया, ए हमें मिल गया ए स्क्वायर, क्या मिल गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मिल गया। हमें क्या चाहिए, ए क्यूब चाहिए ना, तो फिर अपन क्या करेंगे, ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे किनके साथ, ए के साथ, ए हमारा क्या दे रखा है वन जीरो टू, जीरो टू वन टू जीरो थ्री, इनके साथ मल्टीप्लाई करने का, इनको इरेज कर देता हूं। अब देखो है क्या, इनको तो इरेज कर दो क्योंकि ए स्क्वायर हमें मिल गया, अब ए क्यूब चाहिए था, पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या वही कंसेप्ट, फिर इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करो फाइव जीरो एट, ऐसे लिख दिया करो फाइव जीरो एट, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दो फाइव जीरो एट, फाइव जीरो एट, फाइव जीरो एट, मल्टीप्लाई किससे करना है पहले वन जीरो टू से, उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है इनसे जीरो टू जीरो से, फिर उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करना है टू वन और थ्री से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इनको लिख दो नीचे वाले को टू फोर फाइव, टू फोर फाइव, टू फोर फाइव, टू फोर फाइव, मल्टीप्लाई अपन किससे करेंगे इनसे, जो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किए, वन है तो वन, या जीरो है तो जीरो, टू है तो टू, यहाँ जीरो यहाँ टू यहाँ जीरो यहाँ टू यहाँ वन यहाँ थ्री, मल्टीप्लाई सेम होगा कलम वाला। अब क्या हमारा एलिमेंट एट जीरो थ्री, एट जीरो थर्टीन, एट जीरो थर्टीन, एट जीरो थर्टीन, अब मल्टीप्लाई करो वन जीरो टू, जीरो टू जीरो, टू वन थ्री, फाइव पे वन से मल्टीप्लाई करो फाइव फाइव प्लस होल्ड जीरो जीरो जीरो, दस जीरो आठ तेरह का चौबीस, टू वन जा टू, ए जीरो ए टेन, ए जीरो एट, ए फोर ए फोर ए फिफ्टीन, ए एट ए जीरो ए ट्वेंटी सिक्स, ए जीरो जीरो जीरो, ये सोलह जीरो प्लस थर्टी नाइन, इनको ऐड कर लो फाइव और सिक्सटीन ट्वेंटी वन जीरो, इन दोनों को ऐड करो थर्टी फोर, इनको ऐड करो ट्वेल्व,
एट, ये हो जाएगा 19, 23, इनको ऐड करो 34, 0, ए ऐड करो 55, ये आ गया आंसर। ए क्या आ गया हमारा, एक एक क्यूब आ गया, ए स्क्वायर दे रखा है, ए हमें मालूम है, आई हमें मालूम है, इन तीनों को हमें ऐड करना है। अगर ऐड करने पे जीरो आ गया, इसका मतलब है हमने जो किया वो सही किया। तो इनको मैं इरेज कर देता हूं, इनको तो बचा के रखो, इनका यूज है अभी। देखो ए क्यूब है, ए क्यूब क्या है 21, 0, 34, 12, 8, 23, 34, 8, 55, ए क्यूब हो गया, इनको इरेज कर दो। -6, ए स्क्वायर क्या है 5, 0, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 13। अब क्या है 7a, ए क्या है 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3, अब क्या है 2 है, 2y, i के जगह पे 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ए दे रखा है। अब देखो क्या इनको तो ऐसे लिखो, सिक्स से सबको मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं सबको सिक्स से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सेवन से सबको मल्टीप्लाई कर दो, टू से सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको ऐड भी करना है माइनस भी करना है। तो आप ऊपर वाला चिपका लो, इरेज करता हूं, है ना, इसको इरेज कर दो कि स्पेस आ जाए अपने पास। देखो है क्या, इन दोनों को पहले माइनस करो, 21 में से 30 गया -9, 0 में से 0 गया 0, 34 में से 48 गया -14, 12 में से 12 गया, 8 में से 24 गया, 23 में से 30 गया, 34 में से 48 गया, 0 में से 0 गया, 55 में से 78 गया, 8 हो गया। इनको दोनों को प्लस करो, 7 + 2, 9, ए 0, ए 14, 0 + 0, 0, 14 + 2, 16, 7, 14, 0, 23। अब देखो है क्या, इनमें से इनको माइनस करेंगे -1, देखो ए दे रखा है। अब हमने क्या किया ना, इन दोनों को ऐड कर लिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, माइनस करके यहां चिपका दिया, ऐड करके यहां चिपका दिया। अब ये दोनों को क्या करना है, ऐड करना है हमें। तो ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, ए माइनस में प्लस में, 9 माइनस में प्लस में, इन दोनों को ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा 0, 0 0 को ऐड करेंगे 0, ए माइनस में ए प्लस में तो 0, ए 0 हो गया, माइनस में 16 है प्लस में 16 है 0, माइनस में 7 है प्लस में 7 है 0, 14 14 एक प्लस में एक माइनस में, सब क्या आ गया 0, आंसर क्या आ गया 0, प्लॉट।
यही तो हमें प्रूव करना था। इसका मतलब है जो हमने बनाया वो क्या बनाया, सही बनाया। अगर जीरो नहीं आता इसका मतलब क्या था, हमने जो बनाया वो क्या बनाया, गलत बनाया। तो ए था 16 नंबर, अब क्वेश्चन है 17 नंबर, वो मैं करा दूं आपको। ए मैट्रिक्स दे रखा है 3 2 4, ए यहां भी माइनस लगाया, आई तो मालूम है हमें, फाइंड करना है के की वैल्यू। क्या इक्वेशन दे रखा है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस टू आई, ए दे रखा है, फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू। सबसे पहले आपन क्या करेंगे, ए माइनस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो परे इनका काम तमाम कर दिया जाए, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने का, क्या निकालने का, ए स्क्वायर निकालने का सबसे पहले, तो ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर निकाल लेंगे। उसके बाद अपन दूसरा निकालेंगे, तो देखो क्या है, यहां से हमें तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, के का। तो सबसे पहले ए स्क्वायर हम निकालें, तो ए क्या दे रखा है हमारा, 3 - 2 - 4 - 2, ए को डबल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो ए स्क्वायर हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 3 - 2, मल्टीप्लाई किनके साथ करना है, 3 और 4 के साथ, फिर यहां आएगा 3 - 2, मल्टीप्लाई किन के साथ करना है, -2 और -2, ए करना है। अब देखो ए है, ए क्या है, 4 - 2, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक बार 3 से एक बार 4 से। अब इसको नहीं देखेंगे, ये देख लेंगे अपन, सेम इनको सेम यहां चिपका देंगे, देखो सेम हमने चिपका दे, क्यों बार बार वहां टाइम वेस्ट करें अपना, 3 3 में मल्टीप्लाई 9, 4 2 जाए 8, 3 और 2 में -6, -4 12, -8 +4, देखो क्या गया, 9 में से 8 गया 1, -6 और +4 -2, 12 में से 8 गया 4, 8 में से 4 गया -4, ए आ गया ए स्क्वायर। अब लिखा है ए स्क्वायर में क्या करना है, +2i करना है, क्या करना है, +2i, ए स्क्वायर में क्या करना है, +2i करना है। तो इसमें ऐड करने का 1 - 2 - 4 - 4, क्या ऐड करना है, इनको ऐड करना है, 1 0 0 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, लिख ही देता हूं, क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 0 2, ए आ गया भाई। अब ऐड करने का, अब देखो ऐड करने पे आएगा क्या, 1 और 2 3, -2 0 - 2, 4 और 0 4, -4 और 2 - 2, ए आ गया, है ना। हमें क्या प्रूव करना था, ए स्क्वायर +2i = ka, के की वैल्यू हमें बताना था। अब देखो जो ए स्क्वायर +2i की वैल्यू आई है,
वही वैल्यू किसकी है, ए की है, सेम है, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। तो दोनों इक्वल कब आएंगे, जब के जगह पे 1 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 1। ये आ गया आंसर, चिपका लो। ए 17 था, अब देखो 18 नंबर, 18 में है क्या, देखो ए मैट्रिक्स दे रखा है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, 10 अल्फा बाय 2 0। हमें क्या लिखना है, आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए, मैट्रिक्स क्या दे रखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यह हमें प्रूव करना है। क्या क्या ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो क्या है, कुछ नहीं, टेंशन लेने का बात ही नहीं है। आई प्लस ए है ना, आई क्या होता है, देखो 2 बाय 2 का है तो 2 बाय 2 का लेंगे आइडेंटिटी, प्लस ए, ए क्या है 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2, ए 10 अल्फा बाय 2 और ए, इन दोनों को क्या करने का, ऐड करने का, 1 और 0 1, 0 और 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा, इनको ऐड कर 10 अल्फा, इनको ऐड कर 1, ये आ गया, ए क्या आ गया, आई प्लस अल्फा ए, आई प्लस ए, ए आ गया, ठीक है भाई। अब देखो क्या है, इक्विवेलेंट करना है, आई माइनस ए निकालो, अब क्या निकालो, आई माइनस ए, तो आई में से ए को माइनस करो, देखो आता क्या है, तो आई 1 0 0 1 माइनस करो 0 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 यहाँ 0, इन दोनों को माइनस करो, 1 में से 0 गया 1, 0 माइनस माइनस प्लस 10 अल्फा, इनको माइनस करो, इनको माइनस करो, ये आ गया, ठीक है। अब इनके साथ क्या लगा है, ए देखने की बात है, क्या लगा है भाई, कॉस अल्फा, क्या लगा है, कॉस अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ साइन अल्फा, यहाँ कॉस अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या उसके इक्वल आ रहा है, आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो क्या है, गलत है, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करने का, तो कॉस अल्फा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का 10 अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करने का साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, फिर इनसे मल्टीप्लाई करने का -10 अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इनको इनसे मल्टीप्लाई करने का तो साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा, ए आ गया, देखता हूँ ये आ रहा है कि नहीं, है ना, ए उसको कटा दो, जो बच्चे उसको बचा दो, और कुछ नहीं करने का। देखो उसके बाद क्या है, यहाँ तो 10 अल्फा बाय 2 था और यहाँ क्या है हमारा, कॉस अल्फा दे रखा है, क्या दे रखा है, कॉस अल्फा। देखो इसको क्या करो,
टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू। देखो कैसे, ये तो आप चिपका लेना, याद रखना, इसका आंसर ये आ गया। इनको इरेज करो, कॉस अल्फा, इनके लिए जानते हो क्या करो, मैं यहां लिख ही देता हूं, चलो टैन, टैन को लिख देता हूं साइन और कॉस, साइन कॉस, साइन की जगह पे लिख देता हूं ए लिख देता हूं, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉस से कॉस चला जाएगा, क्या बचेगा, कॉस अल्फा प्लस टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। इससे क्या होगा, कॉस अल्फा बाई टू माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो देखो इससे हुआ क्या, ए माइनस प्लस में माइनस में, तो दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो देखो टू में समन गया वन, प्लस में आएगा साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, आंसर क्या आ गया वन। ऐसे निकालने का, यहां क्या है वन है, तो एक तो अपना मिल गया। देखो मैं एक एक बता दी भाई, इन दोनों को ऐड करने पे ए आएगा, कैसे, टैन के जगह पे हमने क्या चिपका दिया, साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा के जगह पे हमने क्या चिपका दिया, टू साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू, कॉस से कॉस कट गया, साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा बाई टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू आ गया। कॉस अल्फा क्या होता है, मतलब कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला हमने लगाया, यहां साइन टू थीटा वाला हमने फॉर्मूला लगाया, तो कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। इसके पर प्लस टू है, इसके पर माइनस वन है, तो टू में से एक गया एक। अब हमें तो मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, तो इसको चिपका लो, फिर मैं एक दूसरा आपको बताता हूं। Yeah.